दोस्तों, मुंह की बदबू एक बहुत बड़ी परेशानी है। अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो इसकी वजह से दोस्तों कोई भी व्यक्ति आपके पास नहीं आएगा, चाहे वो आपका दोस्त हो या आपका कोई रिश्तेदार या कोई आपके कॉलेज का रिलेशन हो या फिर कोई आपका ऑफिस का क्लोजिंग हो, कोई भी व्यक्ति हो वो आपके पास आना नहीं चाहेगा, क्योंकि दोस्तों आपके मुंह से उसे बदबू आती है। और दोस्तों ये मुंह की बदबू बहुत गंदी होती है और इससे दूसरे को बीमारी होने का भी खतरा होता है और इसी वजह से कोई भी आपके साथ बात करना पसंद नहीं करेगा और दोस्तों ना ही वो आपके साथ बैठेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरती गौतम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आओ बातें करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इस टॉपिक पर कि दांतों से बदबू क्यों आती है या फिर दोस्तों रोजाना कोलगेट करते हैं, रोजाना ब्रश करते हैं, उसके बावजूद भी आपके मुंह से बदबू आती है, दांतों से बदबू आती है, ऐसा क्यों। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अमन कुमार जी, अमन कुमार जी ने कमेंट किया, उन्होंने किया मैंने बहुत सारे टूथपेस्ट चेंज कर दिए, जो बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के बहुत महंगे महंगे टूथपेस्ट उन्होंने बहुत चेंज कर दिए लेकिन उनके मुंह की बदबू नहीं जा रही है। उन्होंने पूछा कि मुझे ऐसा क्या है, मतलब मेरे मुंह में ऐसा क्या है या फिर मेरे दांतों में ऐसा क्या है, प्लीज़ इसका रीज़न बताएं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि हमारे चैनल की प्रत्येक यूजफुल वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास कोई भी समस्या है आपके दांतों में, फेस पर, हेयर में, या आपको किसी मोबाइल के बारे में या कोई टेक्नोलॉजी या फिर कोई रोचक जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, हमारे थ्रू दोस्तों आपको सभी समस्याओं का निवारण मिलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और अमन कुमार जी आपके दांतों में क्या प्रॉब्लम हो सकती है आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों आप रोजाना ब्रश करते हैं और आपके दांत भी ठीक हैं, फिर भी आपके मुंह से गंदी स्मेल आती रहती है और आप खुद भी परेशान रहते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके मुंह से ये बदबू क्यों आती है, इसका क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मुंह की बदबू को दूर करने के लिए इलायची का प्रयोग। जहाँ दोस्तों छोटी सी इलायची स्वाद बढ़ाने के साथ ही माउथ फ्रेशनर का भी पूरा काम करती है। इसे खाने से मुंह की बदबू में राहत मिलती है। यदि आपके मुंह में गंदी गंदी बदबू आती है, गंदी स्मेल आती है और लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते, आपके पास आने से संकोच करते हैं, तो आप दिन में ज़्यादा नहीं सिर्फ 3 समय एक एक इलायची खाते रहें और अपने मुंह में दबा के रखें। अगर आप चाहें तो आप दिन भर भी खा सकते हो लेकिन दोस्तों डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप दिन में 3 बार इलायची खाते रहें तो इससे दोस्तों आपके मुंह की सारी बदबू दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इलायची बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों दूसरी बात, आपके दांतों से या मुंह से बदबू आती है तो एक कारण और भी हो सकता है। दोस्तों जीभ की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब भी बात करते हैं मुंह की सफाई की तो आमतौर पर लोग दांतों की सफाई करना ही समझते हैं, लेकिन दोस्तों मुंह के अंदर का महत्वपूर्ण हिस्सा है जीभ। दोस्तों इस जीभ का जो हिस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग तो ध्यान देते हैं कि जीभ पर ध्यान न देने की वजह से कई बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही दोस्तों सांसों से बदबू भी उत्पन्न होती है, जीभ पर जमी गंदगी के कारण दोस्तों आती रहती है। ऐसे में अपनी जीभ को नियमित रूप से यानी कि दोस्तों डेली जिस टाइम आप कोलगेट करते हैं, अपने दांतों को साफ करते हैं, उस वक्त आप जीभ की भी सफाई ज़रूर करें। या दोस्तों इसकी सफाई यानी कि जीभ की सफाई दोस्तों नियमित रूप से ज़रूरी है। इसकी वजह से दोस्तों आपके मुंह में गंदी बदबू नहीं आएगी, कोई भी किसी भी तरह की स्मेल नहीं आएगी। दोस्तों तीसरी बात है, अगर आपके मुँह और दांतों में बदबू आती है तो तीसरा टॉपिक दोस्तों लौंग है। कैसे? दोस्तों लौंग को हल्का भूनकर चबाने से या मुँह में रखकर चूसते रहने से मुँह की दुर्गंध दूर होती है। लोगों को मुंह की सभी संबंधी अनेक समस्याओं के लिए इलाज के रूप में दोस्तों इसे इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए आप भी लौंग का उपयोग जरूर करें। हो सकता है अमन कुमार जी आपके दांतों की बदबू या ये मुंह की बदबू इससे समाप्त हो जाए। दोस्तों लौंग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं चौथे की। दोस्तों चौथे टॉपिक में हम बात करने वाले हैं तुलसी के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा तुलसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुलसी की पत्ती चबाने से मुंह की बदबू और आपके दांतों की बदबू दूर हो जाती है। साथ ही अगर आपके मुंह में कोई घाव है तो तुलसी के पत्ते उसके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बार हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं और वो काले धब्बे कर देते हैं, उन्हें सड़ा देते हैं, जिनकी वजह से मुंह से बदबू आने लगती है और बहुत गंदा सा, बहुत गिल्टी सा फील होता है। तो दोस्तों ये कारण भी हो सकता है कि आपके मुंह में अगर कीड़ा लग गया यानी आपके दांतों में कीड़ा लग गया हो और उसने आपके दांत को ख़राब कर दिया हो। तो दोस्तों जो बैक्टीरिया होता है, जितने बैक्टीरिया होते हैं वो सब दांत की कीड़े के पास की जगह जहाँ उसने जगह बना ली होगी वो वहाँ पर जाके बैठ जाएंगे और वहाँ से बदबू उत्पन्न करने लगेंगे। तो हो सकता है आपके दांत में कीड़ा भी लगा हो जो आपको नहीं पता हो।
तो मिस्टर अमन कुमार जी, ये 5 टॉपिक मैंने आपको बता दिए, 5 में से आप कोई सा भी एक तरीका उपयोग करके देख सकते हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी इस समस्या का निवारण जरूर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मुंह की दुर्गंध को दूर करने में ये 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा सक्षम मानी गई हैं। और दोस्तों साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आपको कोई इसी तरह की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी समस्या का निवारण जरूर करेंगे। और दोस्तों आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ आप लोग अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो प्लीज़ गंदे और भद्दे कमेंट बिल्कुल ना करें। दोस्तों हमारा काम है हम आपको अच्छे से अच्छी सलाह दें ताकि हमारे चैनल के थ्रू आपको वो जानकारियाँ मिले जिसके आप असली हकदार हैं। दोस्तों आपके मन में कुछ भी ख्याल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई ट्रिक वाली वीडियो के साथ, या कोई नई रोचक जानकारी के साथ, या फिर आपके ही कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।